बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ही होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, शाद रखे, आप लोगों की सारी परेशानियां, दुख तकलीफ दूर करे और आप लोगों को हज़ारों खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई लेके आई हूँ, जो सारे बहुत शौक़ से खाते हैं और सिंपल सा मेरा स्टाइल है, और इनके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 1 किलो मटन तकरीबन थोड़ा सा कम है, 2 बड़े प्याज, 2-3 सब्ज़ मिर्च काटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और साथ में इस तरह की चॉपी हुई अदरक, 1 बड़ा साइज का टमाटर, धनिया और 2-3 लहसुन के, ये भी मैंने छीले नहीं, बाद में छीलूँगी, ये करी पत्ता, थोड़े से मसाले साबुत जाएंगे, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और मसाला, गरम मसाला पीसा हुआ, धनिया पाउडर पीसा हुआ, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, और ये टेबलस्पून मैंने इस्तेमाल किया, बड़ा चम्मच नहीं, ये छोटा चम्मच है, और साथ में तेल, सब्ज़ मिर्च 2-3 जो मैंने लंबी काट लेनी है, जब गार्निश करूँगी तो काट लूँगी। फ्लेम ऑन कर लिया है, देख ही रखेंगे, मटन डालेंगे, साथ में प्याज डालेंगे, टमाटर, सब्ज मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक 1 टीस्पून आदि, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, करी पत्ते और सारे मसाले, दो गिलास पानी, बड़ी सिंपल स्टाइल से ये बनती है कढ़ाई। अब इसको 1/2 घंटे के लिए दम पे रखेंगे हल्की आंच पे, कि ये गोश्त गल जाए। घंटा हो चुका है, अब हम चेक करेंगे कि गोश्त गला या नहीं। अभी गोश्त गला नहीं, अब इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे। तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैं डाल चुकी हूँ, इसमें हो चुके हैं और गोश्त भी गल चुका है। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1.5 चम्मच, खाना पकाने वाला। अब इसको अच्छी तरह से
भूनेंगे फुल आंच पे, दरमियानी आंच पे। अब तकरीबन 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट मैं इसको पका चुकी हूँ, भून चुकी हूँ। इसका तेल अलग हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाला चावल पसंद है। 5-6 टेबल स्पून गरम मसाला। अब 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। मेरी डिश तैयार है।